हम मनुष्यों के जीवन में एक होता है ज्ञातव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा पॉइंट प्राप्तव्य। ज्ञातव्य जानने योग्य, कर्तव्य करने योग्य, प्राप्तव्य पाने योग्य। जानवरों में है, पशु पक्षियों में भी है, लेकिन उसके मूल में बस क्या है, पोषण और प्रजनन। प्राप्तव्य में सुख सुख कह सकते हैं, प्राणी मात्र सुख पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसके ऊपर एक ऐसा अपने योनि स्वभाव या योनि के क्रम में प्रतिबंध है, अपने ढंग से पोषण यानी भोजन और प्रजनन कर लेता है, उसी में उसका जीवन चलता है। मनुष्य का मन और वाणी दोनों डेवलपेड है, प्रकृति ने इस पर अंकुश नहीं दिया है, खुला खुला छोड़ दिया है। वाणी और मन, तो इसको खुला छोड़ दिया है, तो जैसे घोड़ा तेज, तो घोड़ा का तेज होना बुरा नहीं है, घोड़ा तेज है उस पर सवारी करना चाहिए, लेकिन घोड़ा अगर अनट्रेन्ड है, यानी उस पर सवार जो होगा वो अपने घोड़ा को प्रशिक्षित नहीं किया है, तो क्या करेगा? तेज होने के नाते घोड़ा उसको उठा के पटकेगा और हाथ पर तोड़ देगा, मंजिल पर पहुंचने के बजाय हॉस्पिटल पहुंचा देगा या ऊपर पहुंचा देगा। अगर वही घोड़ा प्रशिक्षित है, लगाम उसका अपने हाथ में रखा है, सवार चुस्त है, तो मंजिल पर जितना तेज घोड़ा होगा उतना जल्दी पहुंचेगा। तो घोड़ा का तेज होना बुरा नहीं है। ठीक इसी तरह से मनुष्य का मन विकसित है, वाणी विकसित है, ये बुरा नहीं है। इसको अगर हम प्रशिक्षित कर लें, साहब ने कहा ना, सदा रहो सुख सुख संयम अपने, सदा सुखी कौन नहीं रहना चाहता है? सब प्राणी मात्र में मनुष्य ज्यादा इस पर दिमाग लगाता है, सदा सुखी रहने के लिए ही तो सारा जो भी मनुष्य करता है, कोई चोरी करता है, शराब पीता है, घोटाला करता है, जितने भी महा से महा अनैतिक कर्म है उसके पीछे भी उसका क्या है, सुख। ये बात सच है, उल्टी बुद्धि में वो जितना करेगा दुख मिलेगा, क्योंकि असली जो ईश्वर है वो तो नियम है, और नियम में कोप और कृपा दोनों नहीं। असली जो ईश्वर है वो नियम है, उसमें कोप कृपा नहीं है। इसलिए मनुष्य ने एक ऐसा भगवान बनाया जो कोप करता हो और कृपा करता हो, उसको फल मिठाई उसके सामने गिरगिरा लेंगे तो कोप करना छोड़ देगा, उसको कुछ घूस दे देंगे, कमीशन दे देंगे, तो इधर जितना करेंगे सब लोग माफी दे देगा, ऐसा बना है। मनुष्य का मन में ज्ञातव्य के अंतर्गत सत्ता का ज्ञान महाजरूरी है। लौकिक ज्ञान कोई एलएलबी किया तो ठीक है, वकालत करता है, वकालत चलता है उसको, तो उसको चिकित्सा के क्षेत्र में उतरने की जरूरत नहीं है,
उतर भी नहीं पाएगा, कितना करेगा, समय सीमित है। तो वकालत से उसका जीवन यापन चल रहा है। कोई खेती करता है उसी से जीवन गुजर हो रहा है, भोजन पानी कपड़ा की व्यवस्था हो रही है, तो उसको व्यापार करने की जरूरत नहीं है। कोई संगीत कला से जीवन बिता रहा है उसी से जीव को उपार्जन का साधन बना करके, तो उसको और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया का जो भी ज्ञान है उसमें जीव को उपार्जन में कोई ना कोई एक साधन ले लिया और उसे किया जाए, हो जाए। लेकिन बात आती है क्यों कमाते हैं, खाने के लिए, क्यों खाते हैं, जीने के लिए, क्यों जीते हैं इसका पता नहीं, क्यों जीते हैं इसका पता नहीं। जाने अनजाने में मन की शांति, सुख, सदा सुखी रहना चाहता है, इसी की खोज में मनुष्य जीवन बिताता है। लेकिन रिजल्ट क्या आता है, जवानी में रिझना और बुढ़ापा में खींचना। क्यों? क्योंकि हम अपने पर संयम नहीं करते हैं, अपने को लंपट बन करके जिंदगी बिता रहे हैं। इसीलिए सदा सुखी रहना चाहते हैं लेकिन सदा दुखी होकर जी रहे हैं, संयम नहीं। इसीलिए साहब ने कहा सदा रहो सुख संयम अपने। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा वसु धन धा धारण करना, प्रकृति ऐसे वस्त्र धरती को कहा गया। धरती में रतन है, कोयला है, सोना है, सब इसी में खनिज पदार्थ, इसीलिए धरती को वसुधा कहा गया। पूरे विश्व ब्रह्मांड प्रकृति वसुधा, इसको हम अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ब्याहना क्या है, इस पर अपना अधिपत्य जमाना, ये धोखा है। साहब कहते तो कुमारिया रही, आज तक इसको कोई ब्याह नहीं सका। चंगेज खान, हिटलर, तैमूर, औरंगजेब, सिकंदर, ये सब ब्याहने, बड़े बड़े सूरवीर सब ब्याहने चले, कहां ब्याह पे आए। हम लोग भी जितना समझ में है ब्याहने के चक्कर में लगे, कब्जा जमाना चाहते हैं। परिणाम क्या होता है, उसके कब्जा में हम खुद हो जाते हैं, तो सदा दुखी रहे। ज्ञातव्य है सत्ता को समझना। पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में मुख्य रूप से दो सत्ता है, एक जड़ सत्ता और एक चेतन सत्ता, और ये दोनों अमर है। साहब ने कहा ना, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहीं कबीर कामो नहीं, जीवन ही मरण न होए। अमृत और नहीं, मृत मरा हुआ, जो मरा हुआ न हो और जो न मरे वो क्या है। आत्मा जिसे चेतन कहते हैं वो अमृत है, पाने की बात नहीं है, जानने में, ज्ञातव्य में अमृत को जानना है। अमृत पाने की चीज नहीं है, विष मंसूरपुर मार्केट में मिल जाएगा, अलग जाने की जरूरत नहीं है, यही जहर मिल जाएगा। लेकिन अमृत पूरी धरती पर छान मार, अगर कोई ऐसा विमान हो जो एक सेकंड में खरबों किलोमीटर चला जाता है, उस पर सवार होकर के खोजिए कोई ग्रह पर, कहीं अमृत नहीं है। अमृत अगर कहीं मिलता तो नेता पहले खरीद करके उसको पीता। महात्मा भी कितने हैं, पर्सनल हवाई जहाज से चलते हैं, वो लोग पहले खरीद करते हैं अमृत। इसलिए साहब ने कहा अमृत जानने की चीज, वो अमृत जर वो भी अमृत, यानी वो मरती नहीं। जो परमाणु है प्रकृति के विज्ञान की भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो कहते हैं प्रोटॉन, वो नष्ट नहीं होता, इसीलिए उसको अमृत कहा गया। दार्शनिक शब्द में कहते हैं आग पानी मिट्टी हवा,
ये अमृत है, इसकी सत्ता है, कहीं भी जाएंगे इसी चार से बनी हुई चीज आपको मिलेगी, चाहे मनुष्य बनाए उसको या प्रकृति बनी है। तो ये आग पानी मिट्टी हवा का संयोग में सारे प्राणी और पदार्थ, प्राणियों का शरीर और पदार्थ का ओजोन, उसका जखीरा, वो सब बनता है ये चार चार। इसीलिए आग पानी मिट्टी हवा इसको भी हम ईश्वर कहते हैं, जो बहुत बहुत दैवी ईश्वर है, देव नाम जड़ प्रकृति। तो यहाँ ज्ञातव्य में एक तरफ जड़ प्रकृति इसको समझना, इसमें नियम काम करता है। आग पानी मिट्टी हवा ये ब्रह्म ईश्वर, लेकिन ये ईश्वर को पूजा प्रार्थना से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब इससे नहीं, इसको समझना है। वर्षा इंद्र कराता है, हे इंद्र भगवान, इंद्र वर्षा कराता है। अगर इंद्र जैसा कोई भगवान वर्षा कराता है तो उसको इतनी भी अकल नहीं है कि सड़क पर पानी बरसा कीचड़ हो जाता है। अगर बच्चा स्कूल में अपने कॉपी में लिख दे जवाब में कि इंद्र पानी बरसाता है, टीचर उसमें कितना नंबर देगा? वर्षा होने का कारण पानी वाष्प बनता है, मानसून हवा लगती है, फिर वही संगणित होकर के और बूंद रूंद फिर जमीन पर आता है, वही फिर गर्मी पाकर वाष्प बनता है। ये चक्र कागज में तो बहुत लिख लिया है, सब भगवान की कृपा से बनता है। लिखने वाला कौन है? वो भी एक अमृत है जो चेतन सकता है, मनुष्य रूपी खोल में निवास करने वाला सोल, वही सब लिखा मान मान है। तो ज्ञातव्य में एक जड़ प्रकृति आग पानी मिट्टी हवा, इसको किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। कौन कह रहा है? मनुष्य कह रहा है। जब जग में कुछ था नहीं, बस एक था भगवान, जो ऐसा देख नजर पर देख लिया सो कित रहा मकान। जब दुनिया में कुछ नहीं था, एक अल्लाह ताला ने या गॉड ने या भगवान ने दुनिया बनाई, तू कहां से बैठ के देख रहा था? जब कुछ था ही नहीं तो तू कहां से बैठ के देख रहा था? इस पर इस ढंग से विचार करते हैं, बस हां के जा रहे हैं, शब्द को पीटते चले जा रहे हैं। विचार करने की जरूरत है। ज्ञातव्य में जड़ प्रकृति जो आग पानी मिट्टी हवा ईश्वर है, इसका गुण धर्म है, नियम, उससे वह ऑटोमेटिक चलता है, इसको कोई चला नहीं रहा, ये चलते रहते हैं। हाँ, इसकी पूजा क्या है? पर्यावरण को हम मनुष्य ज्यादा बिगाड़ते हैं, ज्यादा क्या, पूरा बिगाड़ने का जिम्मेदार हम मनुष्य, बाकी मनुष्य के अलावा जितने पशु पक्षी प्राणी कीड़े मकोड़े हैं वो पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान देते हैं। हम मनुष्य प्रकृति के नियम के उल्टा काम करके प्रकृति को विकृत करते हैं, इसी कारण वो अपना प्रभाव दिखाती है, उसमें क्षमा नहीं है। कोरोना को बंद करने के लिए कोई भगवान, सब अल्लाह ताला या ईश्वर खुदा गॉड जो भी है, वो सबको उपासना करने वाले थे, उस समय कहां रोक पाया उसको? फिर मनुष्य ने ही प्रदूषण प्रदूषित करना बंद किया तो धीरे धीरे कंट्रोल हुआ, फिर उसमें विकृति आ गई, फिर उसे दूसरे रूप ले सकते। नियम सब में काम करता है, इसीलिए नियम ईश्वर। ऋग्वेद का एक मंत्र है, को ददर्श प्रथम जायन मन्ता अस्थल मन्ता यत् अनस्था विवर्त,
को असुर श्रीगात्मा को आशीष को विद्वान उपगात प्रश्न एतत् को ददर्श किसने प्रथम पहले को ददर्श प्रथम जान मानता जन्म लेते पैदा लेते पहले पहल जन्म लेते पैदा लेते हुए किसने देखे को ददर्श प्रथम जायमान अस्थन मानता अस्थन मानता हड्डी वाली अस्थि हड्डी वाली को यानी स्थूल जगत इसको पैदा होते पहले पहल किसने देखा अनस्था विवर्त बिना हड्डी वाली वो क्या है प्रकृति परमात्मा प्रकृति का जो मूल है वो कोमल मकान है जिस पर खरी है मकान खरा है नींव की ईंट कोई देखता है क्या तो नीचे है पेड़ की जड़ जो सारा पोषण पत्ता पत्ता तक देता है वो जड़ जमीन के नीचे रहता है तो जो जो मूल होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो मूल नहीं होता है इस समझने के बाद यही जानने का विषय है मूले मूला भावात मूले मूलम महर्षि सांख ने महर्षि कपिल ने सांख्यकारिका में कहा मूल में मूल का अभाव होने से अमूल होता है मूल पेड़ की जड़ होती है जड़ का जड़ नहीं होता है तो आग पानी मिट्टी हवा ये मूल सृष्टि ये अमर है इसमें नियम काम करता है इसको समझने की जरूरत है अभी मौसम गर्मी से सब तपित है अभी आग लगे कहीं खलिहान में अग्नि देवता की पूजा करने वाले खूब उसको पूजा उपासना करें उसे रुक जाए कोई फायदा नहीं उसको बुझाने का प्रयास करते हैं गंगा मैया की उपासना कर रहे हैं सुबह में रोज स्नान करते हैं उसकी उपासना करते हैं तैरने नहीं आता है चले गए पानी में कहीं पैर फिसल गए अथाह में चले गए गंगा बचा नहीं पाएगा वो आपकी उपासना से उसको कुछ लेना देना नहीं है वो आपकी भावना उसको अंधश्रद्धा कह सकते हैं नियम में क्षमा नहीं है आप ऐसे भी इसका प्रयोग करके देख रहे आप रोज पूजा करते हैं एक दिन पूजा न कीजिए कोई भूखा है उसको आप भोजन करा दिए आपके पास भोजन ज्यादा है किसी भूखे को आप भोजन करा अपरिचित हो आपका अपना कोई पुत्र को तो भोजन पानी सब कराते हैं उसकी बात मैं नहीं करता परिवार के लोगों की बात मैं नहीं करता कोई अनजान जिससे आपका कोई खून का संबंध नहीं है या ऐसे भी कोई उसमें मोह नहीं है अचानक कोई आ गया उसको आप भोजन करा रहे हैं देखिए उसमें मन की प्रसन्नता कितनी है नियम काम करेगा इसी हाथ से किसी का चीज छीन लीजिए या घर में लूट लीजिए किसी का कोई सामान चुरा लीजिए देखिए उसमें मन आपका कैसा होगा पूजा दिन भर कीजिए माला फेरिए सब कीजिए लेकिन जिसमें आप चुराने जाइएगा या मैं ही चुराने जाऊंगा मन में भय उसको कोई रोक सकता है क्या नियम आ जाएगा उसमें और अंदर अंदर मन कचोटेगा हाँ करते करते होता क्या है कि आदत पड़ जाती है जैसे कसाई है वो डेली बकरा मुर्गा काटता है उसको लगता नहीं कि मैं काट रहा हूं उसको लगता है कि सब्जी सुधार रहे हैं जैसे गाजर मूली काटते हैं क्योंकि उसकी दया मर गई है और जो नहीं काटता है और खाता भी है उसको कि भैया अपने से काट करके इसको सुधार लूंगा नहीं ये हमसे नहीं होगा हमको तुम बना के दे दोगे तो मैं ले जाऊंगा क्योंकि वो काटता नहीं तो उसको अंदर से अलाउ नहीं कर हिम्मत नहीं होगी उसको काटने का जो काटता है उसके लिए जी है अपराध है लेकिन उसको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन उसका नियम से बच सकता है क्या नहीं बचेगा कबीर कमाई आपकी कबहु न निष्फल जाए सात समुद्र आरा पड़े ताते अगारी आए सात समुद्र में उस पर रोकने के लिए
सामने पड़ जाएगा तो भी कबीर साहब कहते हैं कि वो कर्ता के ऊपर उजा करके भोगना उसको पक्का है। एक छोटी सी कहानी मनोरंजक आप लोग जानते होंगे, याद करा देता हूँ। एक बार बाबा धाम का समय आप लोग देखते ही हैं, जाते हैं लोग सावन में पानी लेकर के। हमारा आश्रम असरगंज पड़ता है, उस रास्ते से सुल्तानगंज से पानी लेके जाने वालों को तो सालों भर लगा रहता है कम बेस, लेकिन दो महीना ज्यादा रहता है। तो एक महात्मा ट्रेन में बैठे जा रहे थे और कुछ बाबा धाम जाने वाले बोल बोल बम डाक बम पैसेंजर बम और क्या वो पेटकुनिया बम कौन-कौन बम उसमें कई वैरायटी है, तो लोग जा रहे थे ट्रेन में। तो सुल्तानगंज से पानी लेना था उनको, तो महात्मा जी बर्थ नीचे बैठे थे, उस पर ऊपर कुछ आदमी बैठा था कावड़िया लोग। तो वो महात्मा ने देखा कि दो तीन उस जो उसमें था कमरिया वो गांजा लगा करके अब चिमनी चालू कर दिया। तो महात्मा कहे कि आप लोग भैया कहाँ जा रहे हो? कहा कि बाबा तीर्थ में जा रहे हैं, बाबा धाम जल चढ़ाने। तो कहे तीर्थ करने जा रहे हो और उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करेंगे हम लोग और वहीं से जल लेके जाएंगे। कहा कि तो गांजा पी रहे हो, तीर्थ करने आज भी तो कम से कम ये सब काम छोड़ दो। कहा कि आपको गांजा देके मिर्गी आ रहा है, आज गांजे तक नहीं है, हम लोग कौन ऐसा काम मुर्गी मांस मछली अंडा सब चलता है सालों भर। तो फिर तो यही तो फायदा है, सालों भर करते हैं, गए वहाँ स्नान किए, बाबा के यहाँ जल चढ़ाने के गंगा में स्नान किए और चले गए देवघर जलार्पण किए, सब पाप कट जाता है, सब भस्म हो जाता है। कह कि ऐसा कैसे होगा? कहा कि हाँ यही तो फायदा है, नहीं तो हम लोग क्यों जाते? स्नान करते हैं गंगा में, सब पाप बह जाता है। महात्मा कहे कि ठीक है, तो महात्मा कहानी काल्पनिक की बातों को समझाने के लिए महात्मा गए गंगा से पूछे, कहो गंगा कैसी बात है, कैसे कैसे ये सब क्या हो रहा है, तुम सबका पाप अपने में ले लेती हो? कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास क्षमता है, हम तो सब खारी में गिरा देते हैं, जितना पाप है टोटल हम बंगाल के खारी में सब बहा देते हैं। हम पाप रखे तो मैं भस्म हो जाऊंगा महाराज, हम नहीं रखते। तो जा करके वहां बंगाल की खारी में समुद्र से पूछे महात्मा आप क्या करते हैं महाराज सबको? कहा कि हम रखेंगे महाराज तो हम भी भस्म हो जाएंगे, हम सब वातावरण को दे देते हैं। तो वातावरण से बादल से पूछा गया, कहा कि हुजूर हम तो उसके पाप से काला हो जाते हैं, अब इतना काला होते हैं तो फिर हम इतना भय करते हैं कि अब करें क्या? तो फिर वह हम फिर पापियों को सर पर बरसा देते हैं, मंसूरपुर के पाप मंसूरपुर में, नवादा के पाप नवादा में, वो दूसरे पर नहीं उसी के सर पर बरसा देते हैं। एक कहानी बिल्कुल सच सच है, कहानी काल्पनिक है, लेकिन जो कथा का जो निष्कर्ष है बिल्कुल सच है, वो असली जो नियम है। जैसे महात्मा है, हम भेष बना लिए हैं, अब भोजन करने में आप शर्ट पैंट धोती वाले एक साथ बैठ के भोजन करने के लिए आप बढ़िया भोजन एक ही मिला, स्वाद में पर करके हमने दो रोटी ज्यादा खा लिया, आप सीमा भर खा लिए, तो क्या होगा? रात में हम छटपट करेंगे, नींद नहीं आएगी, कच मच खट्टा ढका बदहजमी गैस तमाम आ जाएगा, आप चैन से सो लेंगे, मेरा महात्मा अपन उसमें काम नहीं करेगा, चाहे गुरु का नाम जपे चरणोदक ले राम नाम का सतना कुछ भी करेंगे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने नियम का उल्लंघन किया है। तो नियम ईश्वर है, वो प्रकृति के विश्व ब्रह्मांड वो सब नियम से चलता है। हल्ला तो है, कुरान में भी लिखा है, अल्लाह ने सब पर मुकर्रर कर दिया है, चांद का डूबना उगना सूरज का सब सब अल्लाह करता है। इधर हिंदू समाज और समाज भी कहता है ईश्वर सब बनाता है करता है, बस केवल कागज में लिख दिया है, कोई ईश्वर ऐसा करने वाला नहीं है, सब में नियम है।
तो उस नियम रूपी ईश्वर को केवल समझना है, और दूसरा उसी का जो दूसरा भाग है अमरता का, वो चेतन जो इस जड़ को जानने वाला है, जैसे माइक है, दरी है, टेंट है, ये कुर्सी है, घड़ी है, ये सेंसलेस है, इसको ज्ञान नहीं है, वैसे अपना शरीर ये भी सेंसलेस है, इसको समझ नहीं, इसको ज्ञान नहीं है, लेकिन इसको जानता कौन है, वो आप हैं, आप भी अमर हैं, आत्मा ये अमर है, स्व आप अमर, आप ही आत्मा हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप अमर हैं, आपका जन्म नहीं हुआ है, इसलिए आपकी मौत नहीं हुई। और एक बात और जान लीजिए, मरता कुछ भी नहीं है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन है, केवल बदलाव होता है। जैसे एक बूंद पानी जमीन पर गिरा दीजिए, अभी अभी पानी सूख जाएगा, गर्म तवा पर पानी को छोड़ दीजिए, क्या होगा, पानी खत्म हो गया, छन से उड़ गया पानी, तो क्या पानी मर गया, पानी मरा नहीं है, पानी ताप लगने से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस में परिणत हो गया है, क्योंकि दोनों के मिलने से पानी, दोनों के मिश्रण से पानी बना था, तो वो मरा नहीं है, बस वो अपने मूल में चला गया है, फिर समय से वही संगठित होकर फिर पानी बनेगा। वैसे हमारे शरीर में जो लगे हैं करीब 600 खरब सेल्स, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 600 खरब सेल्स का हमारा आपका शरीर है, और एक सेल में करोड़ों करोड़ों परमाणु होता है, अब परमाणु नष्ट नहीं होता है, मैटर्स नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वस्तुएं नए रूप से सृजित नहीं होती है और पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड यानी विलुप्त नहीं होता है, केवल बदलाव। अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ देर में बिखर जाएंगे, सभा समाप्त हो जाएगी, वैसे शरीर आग पानी मिट्टी हवा का संयोजन है, ये धीरे धीरे ये गल रहा है, प्रारब्ध पूरा होगा, आत्मा से दोनों का बिलगाव हो जाएगा, उसी को मौत कहते हैं, तो ना आप मरते हैं ना आपका शरीर मरता है, तो परिवर्तन होता है, मौत होता कहाँ है, इस तथ्य को समझने की जरूरत है। तो यहाँ जो ज्ञातव्य है वो जड़ और चेतन, चेतन आप है, जड़ सामने जो दिखाई देता है, आंख कान नाक जीभ और त्वचा से, जो आग पानी मिट्टी हवा से बनना है, ये दोनों को समझना है, इस पर और ज्यादा इस पर समझने की जरूरत है, मैं थोड़ा इसे इशारा किया, तो एक एक ज्ञातव्य में ये आज्ञा जड़ और चेतन, ये दोनों को समझना। दूसरा है कर्तव्य, करना क्या चाहिए, एक लाइन में कहें तो जो अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वही हम दूसरों के प्रति अपने तरफ से करें, अपने लिए कोई झूठ बोलना पसंद करेगा, कोई नहीं चाहेगा, हमको कोई धोखा दे ऐसा कोई चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, तो वही काम हम अपनी तरफ से बढ़ा दें, अगला कोई धोखा दे तो कोई बात नहीं, बचने की जरूरत है उससे, लेकिन फिर भी धोखा दे दे तो कोई बात, हम उसको धोखा ना दें, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए, क्या ले लेगा आपका, आपका वही चीज लेगा जो लेके नहीं आए थे, और वही चीज आपका लेगा जो लेके नहीं जाएंगे, दुनिया का माटी गोबर धन रुपया जमीन जायदाद यही सब तो ले ले सकता है, और क्या लेगा, तो कर्तव्य में दया धैर्य सील सत्य विचार विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, वैराग्य शब्द न का क्या अनाशक्ति कहिए, आप कहेंगे तो महात्मा आप लोगों के लिए वैराग्य भरपूर शब्द है, अनाशक्ति निर्मोहता, इसको लेने की जरूरत है। तो कर्तव्य में सदाचार का पालन करना, इस पर भी जितना व्याख्या किया जाए, शॉर्ट में यही कि हम अपने लिए जो दूसरों से चाहते हैं वही हम अपने तरफ से औरों के प्रति करें, ये मानता है। और तीसरा में प्राप्तव्य पाना, तो सज्जनों पाना कुछ नहीं, मुक्ति भी पाना नहीं है, मोक्ष को पाना नहीं है, क्योंकि प्रकृति में फिर नियम आ जाता है कि जो पाएंगे वो खो जाएगा, मुक्ति पाने की चीज नहीं है, मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए। मैं समझता हूँ कि इस महफिल में जितने बैठे हैं उसमें अधिकतर लोग, अधिक से अधिक लोग शराब नहीं पीते होंगे, तो बिहार में शराब बंदी है कानून रूप में, ब्लैक में मिलता होगा, मिलता है,
बहुत बहुत ज्यादा रेट में उसे आपको कोई मतलब है? बंद हुआ कि चालू हुआ उसे आपको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्यों? चूंकि आप शराब से मुक्त हैं। तो शराब से मुक्त है तो आप मुक्त हैं उसे। इसी प्रकार तमाम दुनिया की चीजों से अपने मन को ऊपर उठा लिया, प्रत्यक्ष परोक्ष ये दोनों से जो अपने को ऊपर उठा लिया वो मुक्त है। पाना कहां है? यहीं पर मुक्ति है। सदैव मुक्ति की जरूरत है, विदेह मुक्ति की नहीं। विदेह मुक्ति प्रकृति का काम है, जो कर देगी, दे छोड़ा देगी, विदेह हो गया। तो पाना कुछ नहीं है, ये प्राप्त हुआ। मोक्ष पाना नहीं है, मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए। लेकिन मजबूरी है, शरीर साथ में है तो मकान भी बनाना पड़ेगा, उपार्जन भी करना पड़ेगा, उसको संरक्षण भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो मैंने निवेदन थोड़ा किया, कर्तव्य ज्ञातव्य कर्तव्य प्राप्तव्य। ज्ञातव्य में जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त करना है, कर्तव्य में सदाचार का पालन करना है, और प्राप्तव्य में कुछ नहीं पाना है। अब कुछ वस्तु को माटी गोबर रखना पड़ेगा, जो शरीर माटी गोबर है, तो इसके निर्वाह के लिए कुछ करना है, लेकिन मूल तया अध्यात्म का विषय है, पाना कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।